नमस्कार दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है बर्बरिक का तीसरा बाण जो बना श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण। महाभारत महाकाव्य में कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इसमें कई बेहतरीन किरदार और कीर्ति थे। हम आज ऐसे एक शूरवीर की कहानी सुनेंगे जो दूर प्रयाग ज्योतिष पूर से युद्ध देखने आया था। उसका नाम था बर्बरिक, जो भीम का खोया हुआ पोता और वंशज था और जो आगे चलकर श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने युद्ध को मनोरम दृश्य से देखा था। बर्बरिक घटोत्कच के अहिल्यावती के पुत्र थे। वह दूसरे पांडव भीम के पोते हैं जिन्होंने लाक्षागृह से भागने के बाद हिडिंबी से शादी की थी। हिडिंबी एक तिमासा कचारी राजकुमारी थी। उनके पुत्र घटोत्कच के जन्म के एक वर्ष बाद भीम ने उन्हें छोड़ दिया। घटोत्कच एक शक्तिशाली योद्धा था जो अपने मातृपक्ष के कारण आधा राक्षस था। अहिल्यावती शक्तिशाली असुर मूरा की बेटी थी, जिसे मूरा द्वारा इंद्र को पराजित करने के बाद भगवान कृष्ण ने मार डाला था। इसीलिए भगवान कृष्ण को मूरा का शत्रु मुरारी भी कहा जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद अहिल्यावती ने बदला लेने के लिए कृष्ण को चुनौती दी थी। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में उसे मारने वाले थे, लेकिन देवी कामाख्या के समय पर हस्तक्षेप करने से उनकी रक्षा हो गई, क्योंकि वह उनकी भक्त थी। देवी कामाख्या ने अहिल्यावती को बताया कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार अहिल्यावती जी ने अपने तरीके सुधारे, कृष्ण को चुनौती देने के लिए उनसे माफ़ी मांगी और कृष्ण ने उसे माफ़ कर दिया। कृष्ण ने अहिल्यावती को घटोत्कच से विवाह करने के लिए कहा और उसे एक बच्चे का आशीर्वाद दिया जो एक कुशल योद्धा, ज्ञान का स्वामी और सर्वशक्तिमान होगा। बचपन में बर्बरिक अत्यंत तेजस्वी एवं वीर योद्धा थे। उनकी मां ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी थी। उन्होंने शास्त्र में भी महारत हासिल की थी। एक बार उन्होंने अपनी मां से धर्म के अनुयायी के लक्ष्य के बारे में पूछा। अहिल्यावती ने उन्हें जन्म के चक्र, धर्म के मार्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है इसके बारे में समझाया। वह एक लंबा रास्ता था और बर्बरिक जानना चाहते थे कि क्या मोक्ष तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता भी है। उसने उत्तर दिया कि यदि कोई स्वयं नारायण द्वारा मारा जाता है तो वह जीवन के चक्रों से मुक्त हो जाता है और स्वयं भगवान का हिस्सा बन जाता है। बर्बरिक ने स्वयं को वासुदेव कृष्ण के हाथों मरवाने का मन बना लिया, लेकिन उसे अपने नाना की तरह वासुदेव कृष्ण को मारने के लिए, उकसाने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। बर्बरिक ने तपस्या की और भगवान अष्टदेव ने उन्हें तीन अचूक बाण दिए। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के अपरिहार्य युद्ध के बारे में सुना तो वह महान युद्ध देखना चाहते थे। यह कौरव और पांडव के बीच का युद्ध था। युद्ध से बचने के सारे विकल्प खत्म हो गए। बर्बरिक ने अपनी मां को वचन दिया कि यदि उसे युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता पड़ी तो वह हारने वाले पक्ष में शामिल हो जाएगा। वह अपना धनुष और तीन बाण लेकर युद्ध के लिए निकला। युद्ध अपरिहार्य था और महान सेनाएं और योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। भगवान कृष्ण दोनों पक्षों के सभी महान योद्धाओं के पास यह पूछने गए कि उन्हें युद्ध समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने कहा कि उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोण ने कहा कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि उन्हें 24 दिन लगेंगे। अर्जुन ने कहा कि उन्हें 28 दिन लगेंगे। भगवान कृष्ण अन्य सभी योद्धाओं से मिले और उनसे उत्तर प्राप्त किया। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। अकेले योद्धा बर्बरिक से चिंतित थे। रास्ते में कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरिक से मिले। बर्बरिक ने कृष्ण के भेष को भी देख सकता था और उसने इसे भगवान को क्रोधित करने का एक और अवसर समझा। ब्राह्मण ने पूछा कि वह अकेले और बिना सेना के सवारी क्यों कर रहा है। बर्बरिक ने उत्तर दिया,
कि वह महान युद्ध देखने आया है और परिणाम के लिए वह अकेला ही काफी है और उसे सेना की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने पूछा कि अकेले युद्ध खत्म करने में उसे कितने दिन लगेंगे। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि वह इसे एक मिनट में समाप्त कर सकता है। तब ब्राह्मण ने बर्बरिक से पूछा कि वह अपने शस्त्रागार में केवल 3 तीरों के साथ महान युद्ध कैसे समाप्त करेगा। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि युद्ध में उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक ही तीर पर्याप्त था और फिर वह उनके तर्कस में वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले तीर का इस्तेमाल उन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें वह पहचानना चाहते हैं। दूसरा तीर चिन्हित सभी चीजों को नष्ट कर देगा। उसे अपने तीसरे तीर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह उन सभी चीजों को नष्ट कर देगा जो चिन्हित नहीं है। अपना काम पूरा करने के बाद सभी तीर उसके तर्कस में वापस आ उनकी शक्ति की जाँच करना चाहते हैं, जिसके लिए बर्बरिक तुरंत सहमत हो गए। ब्राह्मण ने उसे एक बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह एक तीर से पेड़ की सभी पत्तियों को चिन्हित कर सकता है। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर अपने तर्कस से एक तीर निकाला और एक मंत्र का जाप करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ब्राह्मण ने चुपचाप पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया और अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने अपना तीर छोड़ा तो तीर पेड़ के सारे पत्तों पर लग गया और अंततः ब्राह्मण के पैर के आसपास मंडराने लगा। ब्राह्मण ने बर्बरिक से पूछा कि तीर उसके पैर के ऊपर क्यों घूम रहा है। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और तीर उसके पैर के नीचे छुपे पत्ते को चिन्हित करने के लिए निशाना बना रहा था। ब्राह्मण ने अपना पैर उठाया और जो पत्ता उसने छुपाया था उसका निशाना लग गया। बर्बरिक ने ब्राह्मण को समझाया कि उसके तीर इतने शक्तिशाली और अचूक हैं कि अगर बर्बरिक को अपने लक्ष्य का पता नहीं भी होता तो भी उसके तीर अपने लक्ष्य को ढूंढ लेंगे। बर्बरिक के तीर घुमाने की यही घटना आगे चलकर किश्त की मृत्यु का कारण बना। जिस पैर के नीचे उन्होंने पत्ता छुपाया वह कृष्ण का कमजोर स्थान बन गया। महान युद्ध के बहुत बाद चरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण को हिरण समझकर उनके पैर पर तीर मार दिए। इससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। बर्बरिक के तीर का चमत्कार देखने के बाद ब्राह्मण ने पूछा कि यदि उसे युद्ध में भाग लेना है तो वह किसका पक्ष लेगा। बर्बरिक ने खुलासा किया कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि यदि वह कभी भी लड़ना चाहेगा तो जो भी कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से लड़ेगा। वह पांडवों को कमजोर पक्ष मान सकते हैं क्योंकि उनके पास कौरवों की 11 की तुलना में 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। ब्राह्मण ने उससे कहा कि वह जिस भी पक्ष का समर्थन करेगा वह अपनी शक्ति के कारण दूसरे पक्ष को कमजोर कर देगा, फिर वह पाला बदल लेगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। वह पक्ष बदलता रहेगा और अंततः दोनों पक्षों की सभी सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और वह अकेला जीवित बचेगा। बर्बरिक इस व्याख्या से सहमत नहीं हुए और कहा कि वह एक ही बाण से युद्ध समाप्त कर देंगे। वह कौरवों का समर्थन करेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण उन्हें युद्ध के मैदान में अपने सुदर्शन चक्र से मार दें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। ब्राह्मण ने अपनी पहचान बताई कि वह स्वयं कृष्ण थे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान की पूजा करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देना आवश्यक है। कृष्ण ने कहा कि वह बर्बरिक को क्षत्रियों में सबसे बहादुर मानते थे और इसीलिए दान में उसका सिर मांग रहे थे। कृष्ण ने बर्बरिक को नारायण के रूप में अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे आशीर्वाद दिया। खुद का सिर काटने से पहले बर्बरिक ने कृष्ण को आगामी युद्ध देखने की अपनी महान इच्छा के बारे में बताया और उनसे इस सुविधाजनक
बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण इस पर सहमत हो गए। अपने अनुरोध को पूरा करते हुए बारबरिक ने अपना सिर कृष्ण को दे दिया। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मंगलवार को हुआ। शरीर रहित सिर को कुरुक्षेत्र के मध्य में रखा गया। युद्ध के पहले दिन मुखिया जोर जोर से हंसने लगा और दोनों ओर के सैनिकों को डराने लगा। तब कृष्ण ने उस सिर को युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया था। बारबरिक के शीश ने पहाड़ी से कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देखा। बारबरिक पूर्व जन्म में एक यक्ष थे। एक बार भगवान ब्रह्मा और कई अन्य देवता बैकुंठ आए और भगवान विष्णु से शिकायत की कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है। दुष्ट लोगों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए वे उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु की मदद मांगने आए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी बुरी ताकतों को नष्ट कर देंगे। तब एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि वह अकेला ही पृथ्वी पर सभी बुरे तत्वों को मारने के लिए पर्याप्त है और भगवान विष्णु के लिए पृथ्वी पर आना आवश्यक नहीं है। इससे ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने इस यक्ष को श्राप दिया कि जब भी पृथ्वी पर सभी बुरी शक्तियों को खत्म करने का समय आएगा तो सबसे पहले भगवान विष्णु उसका वध करेंगे। बाद में यक्ष ने बारबरिक के रूप में जन्म लिया और इस श्राप के कारण भगवान कृष्ण ने उनका सिर दान मांग लिया। युद्ध के अंत में विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि सबसे विनाशकारी योद्धा कौन था जिसने उनकी जीत सुनिश्चित की। कृष्ण ने सुझाव दिया कि बारबरिक का सिर जिसने पूरी लड़ाई देखी थी उन्हें बताना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में सबसे महान योद्धा कौन था। जब पांडवों ने बारबरिक से प्रश्न पूछा तो श्री मुख ने वीरों का उपहास करते हुए जोर जोर से हंसना शुरू किया। बारबरिक के सिर ने उत्तर दिया कि उसने अपनी दृष्टि से दो को देखा, एक वासुदेव कृष्ण थे जो अकेले ही जीत के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि उन्होंने कोई योद्धा नहीं देखा था, लेकिन सुदर्शन चक्र युद्ध के मैदान के चारों ओर घूम रहा था जिससे उन सभी की मौत हो गई जो धर्म के पक्ष में नहीं थे। दूसरी उनकी पत्नी द्रौपदी थी जिन्होंने अपना मूल रूप देवी महाकाली के रूप में धारण किया था, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जीभ फैलाई और अपने बलिदान के रूप में सभी पापियों को भस्म कर दिया। यह सुनकर पांडवों को एहसास हुआ कि यह भगवान नारायण और देवी पार्वती ही थे जिन्होंने वास्तव में दुनिया को अधर्म से साफ किया था और पांडव केवल साधन थे। इस मुलाकात के बाद बारबरिक अपने स्वामी के साथ रहने के लिए स्वर्ग चले गए। बारबरिक को क्यों कहते हैं खाटू श्याम? बारबरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु शिक्षा के साथ शीश दान कर दिया गया। बारबरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात कृष्ण ने बारबरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बारबरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था। उस स्थान का नाम खाटू है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।